का दोष स्वीकार किया जाता है। डिस्पोजल का तो मैं वैसे ही पक्षधर नहीं हूं। एक दिन मैंने प्रवचन दिया था कि कितना बड़ा दुरुपयोग, पहले लोग माँ बाप से जन्म लेते थे, जिंदगी भर माँ बाप को पूछते थे, मरने के बाद उसके चेटके को पूछते थे, उसका कहां से संस्कार आया। और आज हर बेटा अपने माँ बाप को यूज एंड थ्रू उपयोग करो, पढ़ो लिखो, बड़े हो और अपनी नौकरी पे जाकर के माँ बाप को, ये कहां से आ रहा संस्कार? इसका आ रहा है, आप पानी का गिलास पहले लोग पीते थे, पानी के गिलास पीने के बाद उसको रखते थे, उसको मांजते थे, धो करके साफ करके रखते थे, यानी इस गिलास ने मेरी प्यास बुझाई है, इसको हम मांज करके साफ करेंगे। और वो पानी का संस्कार आता था कि माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, मैं इसको जिंदगी भर संभाल के रखूंगा, फिर मेरे काम आएगा। और आज जो डिस्पोजल में आप पानी पीते हैं, पानी उसी से पीते हैं, पानी पीते तक तो तुम उसको इतने प्यार से पकड़ते हो, इतना स्टील के ग्लास को भी नहीं पकड़ते क्योंकि वो दब जाएगा, बहुत धीरे से, इतना बिल्कुल मैंने देखा है, ऐसे कह रहा हूं, बिल्कुल बड़े धीरे से उठाएगा। मैंने कहा इस ग्लास से बड़ा प्यार है इसको, और जब तक वो पानी पिएगा, पानी पदे और इतने बुरी तरह फेंकता है और सड़क पे आ जाए तो एक लात और मारता है। यूज एंड थ्रू, ये साधारण चीज नहीं है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। जिस गिलास ने तुम्हें पानी देकर प्यास बुझाया, प्यास बुझाने के बाद यूज एंड थ्रू, और ऐसे पानी पीने वाला व्यक्ति नियम से अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, यहां तक कि भगवान को, यहां तक कि गुरु को यूज एंड थ्रू, भगवान को भी यूज एंड थ्रू, गुरु को भी यूज एंड थ्रू, मम्मी पापा को भी यूज एंड थ्रू, अपने काम में है तब तक ठीक, बाद में फेंक देगा। ये किसका संस्कार है? ये डिस्पोजल का संस्कार है। और आज हर चीज डिस्पोजल में आ रही है, अपनी वस्तु का उपयोग करो और फेंको। तो इसलिए मैं तो इसका बहुत सख्त विरोधी हूं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे वही अच्छे हैं जो ग्लास में पीते थे, उसको मांझते थे, इज्जत के साथ कल पीने के लिए संभाल करके रखते थे।